हेलो एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहा स्टडी क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन 11 टू 17। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। एंड बिफोर दिस मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जिसमें हमने और भी क्वेश्चन देखे थे इससे पहले वाले, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी टर्म्स है रूल्स है उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। स्पेशली जो स्टार्टिंग की वीडियो है इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा था, उस वीडियो को आप जरूर देखना। उसके बाद ही जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करना। और इसका रीज़न भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि पहला जो वीडियो होता है किसी भी चैप्टर का उसमें मैं सारे पॉइंट्स और रूल्स वगैरह को एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अगर आप एक बार पॉइंट्स और जो भी रूल्स है टर्म्स है अगर वो आप अच्छे से समझ गए, इट मीन्स दैट कि आप इजिली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना सकते हो। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ। चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। केशव डुले एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉवर हु डिस्काउंटेड विद द बैंकर एट द 6% पर एनम ऑन द ड्यू डेट। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, द बैंकर हैड टू स्पेंड ₹12 फॉर नॉटिंग ETC। द बिल वॉज टेकन ओवर बाय द राम प्रसाद फ्रॉम द बैंकर। जनरलाइज देवर ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ केशव एंड राम प्रसाद। तो चलिए ये जो भी चीज़ें हुई, जो भी इंसिडेंट हुई, बिल का एक्सेप्ट होना, फिर उसके बाद डिसऑनर्ड होना, नोटिंग चार्ज वगैरह, तो ये सारी चीज़ की एंट्री दोनों के बुक में हमें करनी है, केशव एंड राम प्रसाद की। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है जर्नल एंट्री की, क्या है डेट पार्टिकुलर सेल्फ अमाउंट DR एंड अमाउंट CR। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम देख लेते हैं एंट्री राम प्रसाद की बुक में देखेंगे फिर केशव के बुक में देखेंगे। तो ये जो है वो राम प्रसाद के बुक में है, क्लियर है। नेक्स्ट केशव के बुक में देख लेते हैं एंट्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 टॉपिक इज रिन्यूअल ऑफ द बिल। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या, ऑन 1 January 2018 एड्रो अ बिल ऑन बी एट 4 months फॉर ₹500 एंड बी एक्सेप्टेड द सेम। On 1st March, B come to A and request to draw a new bill at 5 months and agree to pay ₹10 as interest. The amount of interest is not paid in cash. He draw a fresh bill which B accepted and make payment there on the due date. अच्छा देखिए, renewal मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ है पुरानी चीज़ को फिर से न्यू करना, रिफ्रेश करके बनाना, दैट इज़ रिन्यूअल। तो यही बिल में भी होता है, क्या होता है ना कभी कभी, सपोज दैट कि 3 months के लिए बिल बने हैं और जो जिसको पेमेंट करना है उसको लगता है कि नहीं मैं 3 months में नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ और टाइम मिले तो मैं कर सकता हूँ पेमेंट, तो वो क्या करेगा, वो ड्रॉअर को मतलब रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ मेरे को थोड़ा और टाइम दीजिए, इसके लिए हो सकता है तो मैं आपको इंटरेस्ट पेड कर दूंगा, आप जो भी चार्जेस मांगोगे वो मैं दूंगा। तो ड्रॉअर कहता है ठीक है। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि वो बोलता है कि आप मेरे को 3 नहीं 5 months का टाइम दीजिए मार्च में आकर के, और बोलता है कि इसके लिए मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, और ये भी कहता है कि अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा, क्योंकि कैश में जो है पेमेंट नहीं हो रहा है इंटरेस्ट का। तो चलिए जनरल एंट्री देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, रूल्स वगैरह वही है, बस डेट में जो है इधर उधर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले ए के बुक में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई है, फिर बी के बुक में देखेंगे। यहाँ जो है ना अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेट आपको अच्छे से मेंशन करना है, सब कुछ जो है डेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये हमारा ए के बुक में हो गया, नेक्स्ट जनरल एंट्री करेंगे बी के बुक में। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। और ये हमारा बी के बुक में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन February 1, 2018 रवि सोल्ड गुड टू मोहन फॉर ₹18,000। ₹3,000 वर पेड बाय मोहन इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्टेड 3 months बिल ड्रॉन अपन हिम बाय रवि ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल। मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल अप टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। ही फर्दर अग्री टू पे इंटरेस्ट इन कैश टू रवि 12% पर एनम। रवि अग्री टू मोहन रिक्वेस्ट एंड कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल। द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी बाय मोहन, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि एंड मोहन। बिल्कुल 12 जैसा ही है, ओल्ड बिल को कहता है कि रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको रिन्यू कर दीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, इसके लिए मैं आपको इंटरेस्ट पेड करूँगा। यहाँ पे कैश में क्या रहा है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं एंट्रीज क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रवि देन मोहन, रवि के बुक में सबसे पहले एंट्री करेंगे फिर मोहन के बुक में। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको अच्छे से लर्न रखना है कि कैसे कैसे लिखेंगे।
नेक्स्ट उसके बाद मोहन के बुक में एंट्रीज पास करेंगे रवि के बाद। तो ये हुई हमारी मोहन के बुक में, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1st September 2017 फॉर 16,000। बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। ऑन द ड्यू डेट बी रिक्वेस्टेड दैट अ बिल ही रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 months। ए अग्री प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश टू दिस। बी वॉज अग्रीएबल। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल सेम केस आ रहा है क्योंकि टॉपिक ही एक है, रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे क्या होगा, सेम ही होगा। हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट बाद में दे, कोई कैश में दे, तुरंत दे दे, कोई कैश में, ऐसे रेट का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। यही सब चीज़ें हैं। एंट्रीज तो सबकी बुक में वही करनी है, रूल तो आपको पता ही है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के बुक में करेंगे एंट्री, फिर क्या करेंगे बी के बुक में करेंगे। तो ये एंट्री जो है ए की बुक में होगी। बार बार कह रही हूँ मैं कि डेट आप अच्छे से लिखोगे, क्योंकि डेट ही इंपॉर्टेंट होता है बिल ऑफ अकाउंटिंग एक्सचेंज में। क्योंकि अमाउंट तो सारा दिया है, कैलकुलेट तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, डेट अच्छे से लिखना होता है। चलिए अब बी के बुक में करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट तो पता ही आपको, पहले डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ के लिए बनाते हैं, फिर डी आर अमाउंट एंड सी आर अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन 1st January 2018 नेहा सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू मुस्कान एंड री ओपन हर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 months। 1 month बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल मुस्कान अप्रोच नेहा टू एक्सेप्ट द पेमेंट अगेंस्ट द बिल एट अ रिबेट ऑफ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। नेहा अग्री टू द रिक्वेस्ट ऑफ मुस्कान एंड मुस्कान रिटायर्ड द बिल अंडर द अग्रीड रेट ऑफ रिबेट। जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड मुस्कान। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको ये लैंग्वेज समझना है कि कब जो है दोबारा बिल को क्या कर रही है, रिन्यूअल हो रहा है बिल, ताकि आप अच्छे से समझ सको, डेट को अच्छे से काउंट कर सको। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं 15 का। तो सबसे पहले नेहा के बुक में, फिर मुस्कान के बुक में एंट्री देखेंगे, क्योंकि दोनों के बुक में हमें बोला हुआ है। ये नेहा के बुक में हो गई, नेक्स्ट मुस्कान के बुक में। क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर गुड सोल्ड ए ड्रॉ ऑन 1st January 2018 अ बिल अपन बी फॉर ₹5,000 पेबल 3 months आफ्टर डेट। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड ऑन मेच्योरिटी। बी इज अनेबल टू पे द बिल गिव्स अनदर बिल पेबल वन मंथ आफ्टर डेट एंड अग्री टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड इंसिडेंशियल चार्ज अमाउंटिंग टू ₹45। सो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए के बुक में, फिर बी के बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है, एंट्रीज पास करनी है। अब तो आप आई थिंक कि आप रट ही लिए होंगे, इतनी सेम ही चीज़ जो है बार बार आपको कह रही है करने को क्वेश्चंस में। नेक्स्ट और उसके बाद बी के बुक में करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज राम सोल्ड गुड्स फॉर ₹3,000 टू श्याम ऑन 1st January 2018। राम ड्रू अ बिल फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाय श्याम बिफोर द ड्यू डेट ऑन 1st April 2018। श्याम रिक्वेस्टेड फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल फॉर 3 months। राम एक्सेप्टेड इट ऑन द कंडीशन दैट द न्यू बिल इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ऑन द ड्यू डेट श्याम पेड द बिल। फर्स्ट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ राम एंड श्याम, दोनों की बुक में बनानी है। वही बोल रहा है रिन्यूअल करने के लिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। जनरल एंट्री पास करनी है राम एंड श्याम दोनों के बुक में। पहले राम के बुक में कर लेते हैं, फिर श्याम के बुक में करेंगे। ये राम के बुक में हो गई एंड आफ्टर दैट श्याम के बुक में। डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डीआर एंड अमाउंट सीआर। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11-17 देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी प्रीवियस चैप्टर प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो चेक द प्लेलिस्ट फॉर मोर वीडियोज। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।